बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे सूट भी कर रहे हैं अभी फिजी। आज हमारे घर पे बनी है बिरयानी और मुस्तफा की फेवरेट। आज मुस्तफा बोल के गया है मम्मा घर पे बिरयानी बनाइए, तो मुझे जैसी आती वैसे मैंने बना दिए। मैं इतना बिरयानी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस सही है बना सकती हूँ। आज था मुस्तफा का पहला पेपर तो हमने सोचा उसको सरप्राइज देते, मुस्तफा को दिखाते हैं मुस्तफा को कैसी लगती। और बाकी इस साइड पर फौजिया ने देखो सबकी प्लेट्स भी लगा दी हैं। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। गई मम्मा की रानी, मम्मा की शहजादी। भाईजान कहाँ गया? कपड़े चेंज कर रहे। कब से कपड़े भी गए? आपने कपड़े हैंग कर लिए? कर लिए। कितना टाइम लगाते हो मुस्तफा आप? हैप्पी हो? बहुत अच्छी है। अच्छी है, पसंद है, शुक्र है। बस आप तो डाइट पर है। डाइट का मतलब कि मैं सब कुछ छोड़ दूं बस? और क्या? हाँ जी, तो कुछ भी ना खाऊं ऐसे मैं भूखी रहूं? नहीं नहीं, इतना भी नहीं, चावल तो और मोटा करते हैं। पेपर कैसा हुआ आज का? बहुत अच्छा हुआ। हमें भी समझ ना आए ना, अपने ट्यूशन टीचर को सब बताया करो। हाँ जी, सुन रहे हो, हर एक बात जाकर बताया करो। मेरा सिर्फ असेसमेंट हुआ, मेरे ख्याल से मेरे 4 दिन तक छुट्टियां हो जाएंगी। 4 दिन तक? इसकी जल्दी छुट्टी हो रही है? पेपर है ना, इस वजह से इसके पेपर नहीं है तो सबको छुट्टियां हो रही है ना, बाकी बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी। ओ तैयबा, आपको इतनी छुट्टियां मिल रही है तो इसके पेपर चलते रहेंगे, बाकी बच्चों को जल्दी हो जाएंगी, फिर तो हम चले जाएंगे, ये खड़ा रहे। ठीक है मुस्तफा, आपके पेपर पता नहीं कब खत्म होता है। आप लोग छोटी गाड़ी पे चले जाना, बड़ी गाड़ी आना। ठीक है। सारा दिन इनके शूज देखता रहता है कि मम्मा ऐसे जूते चाहिए, ऐसी फुटबॉल चाहिए। मैं मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नाइकी के भी पेयर ले दें प्लीज। अच्छा प्लीज, इतना महंगे एडिडास के लेकर बैठे, अभी नाइकी के भी चाहिए। बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत। मैं मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आपका रिजल्ट देखूंगी ना, कैसा रिजल्ट आता है पता चलेगा। आया था आपको ट्यूशन जाना है? क्या है जूतों? आपको मम्मा ने अभी ब्राउन लेकर दिए, वो आपको पसंद नहीं है? ये अच्छे? नहीं जी, ये अच्छे हैं। हाँ जी। आयत मम्मा आपको नहलाएगी, आपने नहीं जाना, चल बाहर नहीं जा, शाबाश आ जाओ। गाड़ी की लाइटिंग देखो ऊपर तक, गाड़ी की वजह से पूरा गैराज चमक रहा है। आयत को छोड़ दो, ये ऐसे या तो फिर फुटबॉल वाले ले दीजिए, जाओ यहाँ से जाओ। पहले आप नहाओ बाद में, ओके? मम्मा साथ चलेगी। हाँ बाय बाय। पापा को बोलो जल्दी गाड़ी चला कर जाए, आयत रो रही है। आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा बेटा नहाएगा ना, फिर नहा के फिर चलेंगे आज। ये देखो जिसपे ये व्हाइट छोटे छोटे फूल लगते हैं ना, ये अंदर तक ऐसे फैलता हुआ आ रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अंदर भी आ गया, बड़ा हो रहा है ना। अभी मैं सोच रही हूँ उस दिन जो हमने ये ग्रिल लगवाया था ना, ये अगर हम पूरा यहाँ तक लगवा देते ना, तो मुझे यहाँ से भी डर रहता है कि नोबिता यहाँ से भी ना भागे। अच्छा ठीक है, आपको मम्मा नहीं नहलाएगी, आ जाओ। शाबाश मम्मा की गुड़िया। चलो अभी आयत को भी नहला लेते हैं, इनको देखो डबल डबल कपड़े मुझे बच्चों के निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह के ना मैंने 5-6 पजामे लिए थे, ऐसे मोटे वाले बहुत काम आ रहे हैं ये वाले। चलो यहाँ पे ब्लैंकेट में छुप जाओ। ये मेरा ब्लैंकेट आपको याद है? ये मेरे जहेज का ही है, ये आपके नाना अबू ने मम्मा को गिफ्ट किया था ये ब्लैंकेट। तब को नाना अबू कहाँ है आपके? कहाँ है नाना अबू? शादी पे आएंगे नाना अबू? हाँ आए थे, आपको देखते हैं नाना अबू? हाँ। कहाँ है नाना अबू? कुछ नहीं। नाना अबू कहाँ है बताओ? शादी पे आएंगे। मैंने इसको एंटीबायोटिक सिरप दिया, उसके बाद जाकर इसको अब अच्छा खासा फर्क पड़ा। आराम से कर रही हूँ, आराम से हो गया ब्रश हो गया। तो मम्मा की गुड गर्ल है ना। कहाँ जाओगी? बर्थडे पे। किसकी बर्थडे है? सारा की बर्थडे पे जाओगी? आप मेरा हार्ट हो। हाँ मम्मा, मैं आपको कपड़े पहन के। आप मलिका बनोगी, आप रानी बनोगी। हाँ मम्मा, एक महलों की रानी बनोगी। क्या क्या अभी आ रही है? महलों की रानी बनोगी। क्या कहते? आप मेरी दिल की रानी हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से। बस घर में कोई ठीक नहीं है, तो आयत की तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से ना ज़्यादा व्लॉगिंग भी मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रही। खैर अभी हम निकले हैं, थोड़ा मैंने उसको दवाइयाँ दी हैं, पहले से बेहतर है। बस बच्चों को अभी घर छोड़ा है और अभी मैं निकल पड़ी हूँ। तो पहले हम निकल रहे हैं शादी के कार्ड के लिए, उसके बाद शादियों के कपड़े देखने हैं, और कल आप सबको मेरा और मेरे हस्बैंड का डांस कैसा लगा
आपको पता है कि सब इतना ज्यादा एक्साइटेड है, कहते हैं हमें शादी पे डांस देखना है कि अभी से प्रैक्टिस हो रही है तो शादी पे कैसा डांस होगा। प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे, इनको जबरदस्ती पकड़ाना पड़ता है। शादी पर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये बात की बात है। इनको ना ढोल वाला डांस बहुत अच्छा आता है, वो जो यूं ऐसे वाला था। ढोल पे तो अच्छे से डांस सब कर लेते हैं, बड़े छोटे सब करते हैं, फिर ढोल का भी एक अपना ही मजा होता है ना। वो जहाँ पर लाइटिंग लगी वहाँ तो नहीं है अभी, यहाँ पे सब देख के ना खाने का भी दिल कर रहे हैं। तो चलो गाइस अब खांसी मुझे भी होना चाहिए। तो चलो यहाँ से हमने देख लिया है, और मुझे जो है ना इतने सारे कार्ड नहीं बनवाने, यहाँ पर कम कार्ड का ऑर्डर नहीं ले रहे और मिलेंगे भी एक हफ्ते बाद, तो हमें वो चाहिए जो बने बनाए होते हैं, फ़ौरन से मिल भी जाए, चलो दो चार दिन बाद ही मिले, लेकिन इतना एक 100-200 कार्ड का एक ही टाइम पे ऑर्डर देना पड़ता है फिर आपको मिलते हैं। क्योंकि जैसे वहाँ पर पहुँची ना, मैं खुद हैरान हो गई कि इतने 100 कार्ड मैं क्या करूँगी, इतना सारा मैं ऑर्डर नहीं दे सकती। अरे मेरा नो भी उठा हुआ है, मेरा नो भी उठा हुआ है। आज तो उठ भी गई, अभी यहाँ तक पहुँचे, पीछे जाग भी गई है। तो चलो अभी हम पहुंच चुके हैं गीगा मॉल, और यहाँ तो देखो आज हम शादी की ना शॉपिंग में सबसे पहले किसके लिए क्या खरीदते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। हम गीगा मॉल पहुंच गए हैं और हमारी आयत की फेवरेट मॉल है। तो जैसे ही हम मॉल में एंटर हुए सबसे पहले हम गए एथनिक पे, तो मैंने वहां पर एक दो लहंगे देखे, अच्छे थे और मुझे ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत था, और नीचे देखो लहंगा इसका बहुत ज़्यादा वो घेर भी था, बस क्या था कि चोली का आगे डिज़ाइन जब देखा तो आगे से पूरा ऐसा ओपन था, खुला था, तो फिर बस मैंने छोड़ दिया ये कैसा डिज़ाइन है। आगे से सारा पूरा नेट तो चलो यहाँ गले पे समझ आता है, यहाँ साइड से भी सारा ओपन ऐसा डिज़ाइन बना हुआ था। तो खैर वहाँ से फिर हम छोड़ के आगे गए दूसरी शॉप पर, तो यहाँ पर फिर मैंने ये शरारा गरारा वाले ऐसे देखे, कलर कॉम्बिनेशन इनके बहुत खूबसूरत थे। दूसरा ये जो वेलवेट में था ये बहुत प्यारा लग रहा था, यहाँ से मैंने लिया है वो सरप्राइज़ है, आप पता है आप खुद गेस करो कौन सा मैंने लिया होगा। तो यहाँ से मैंने लिए वो, अब आगे चलकर आप बारात और शादी के फंक्शनों में ही देखना। इसके अलावा यहाँ पर लहंगे भी थे, वो भी मैं देख रही थी, ये अच्छा लग रहा था लेकिन कलर इतना ज़्यादा प्यारा नहीं था। और इसके अलावा ये देखो ये भी एक लहंगा चोली है, और एंड में फिर मैंने ये वाला देखा प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको पहन के एक दफ़ा ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। तो ये वाला मुझे जो है ना इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मैं खूबसूरत इतना प्यारा लग रहा था, तो हमने सोचा इसको ना मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ ट्राई रूम में, इसको पहन के दोबारा मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो मैंने पहन लिया, कलर देखो इतना इसका खूबसूरत लग रहा है, और देखो इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत, यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा, मेरा फेस कितना चमक रहा है। तो अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए मैं बाहर चलती हूँ उनको, अगर इसका गोल गला होता ना तो मुझे लगता कुछ ज़्यादा प्यारा लगता, गोल गले बताओ कैसा लग रहा है? इसमें मैं मजीद और मोटी नहीं लग रही? नहीं मोटी प्यारा लगता है। ये फुल पिक्चर आ रही है आपकी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे सूट भी कर रहे हैं, अभी फिजिकल ऐसे ना तो अच्छा लग रहा है, आप पे पहना हुआ। इसके साथ इयररिंग्स पहनिएगा और लेफ्ट साइड पे हेड बैंड लगाइएगा, बहुत प्यारा लगेगा उसके साथ। तो यहाँ से जो है ना मैंने दो ड्रेस लिए, अभी वो तो नहीं दिखाऊंगी, शादी वाले फंक्शन पे ही दिखाऊंगी, फिलहाल ये तीसरा पहन के चेक कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, बाकी सबको मेरे हस्बैंड को तो ये अच्छा लग रहा है। सब इसको चेंज करते हैं, कलर इसका बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, अगर इसमें मुझे लगता है कि ये गला शायद इस गले की वजह से मैं मोटी लग रही हूँ, पता नहीं क्या मसला है। मैंने इसको पहना हुआ है ना, पहने हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत लाइट है, जैसे हम इसमें रात के फंक्शन में डांस भी करें ना तो डांस भी बहुत अच्छे से होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे होता है ना संभाला नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लाइट है और आराम से हम इसमें डांस भी कर सकते हैं। बस मुझे गले की वजह से ऐसा लग रहा है, ये वाली जगह मेरी बहुत मोटी और चौड़ी दिख रही है। सच सच बताना कैसा लग रहा था? सूट कर रहा था बिल्कुल इस तरह का, मैं कह रही थी कि मुस्तफ़ा को कुछ ऐसा मैं बनाऊं कि देखो मुस्तफ़ा पे ऐसे प्यारा भी लगेगा साथ में, जैसे ये भी हो ना अच्छा लग रहा है ना, आप दोनों मैचिंग में पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मिल नहीं रहा अभी, इनसे पूछा तो ये सब ऑर्डर पे बनेगा और उस पर भी 15-20 दिन लगेंगे जो कि बहुत ज़्यादा दिन है। अब आगे चलते हैं, बच्चों का भी कुछ हो जाना तो टेंशन ख़त्म हो। दोनों अच्छे हैं,
दोनों अच्छे हैं। तैबा और आयत के मायो मेहंदी के हो गए हैं और थक तो गए हैं, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, कुछ खाने का भी दिल कर रहा है। आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि इतना टाइम से लहंगा चोली ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मेरी पसंद का नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहे थे कुछ ऐसे मैंने देखे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो आज ऐसे मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं लूँगी, मैं रेंट पे ही देख लूँगी, लेकिन जैसे हम गुजर रहे थे बच्चों के कपड़े भी ढूंढ रहे थे, पूरा घूमती रही तो वहाँ पे फिर प्राइस का भी साथ साथ पता करते गए तो कहीं पर ज़्यादा थी। और एक जगह पर जो मुझे लहंगा देख के एक ही नज़र में इतना अच्छा लगा, और जैसे कलर होता है ना वो उसका एक तो नहीं रहा ना कलर, तो खुशी इस चीज़ की है कि मेरा एक ड्रीम था, मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे लहंगा चोली पहने, क्योंकि जब मेरी शादी हुई मैंने तब लहंगा चोली पहना था और उसके बाद मैं हमेशा सोचती रही हूँ हाँ पहनूंगी, हाँ लूंगी, लेकिन नहीं ले पाई। तो इस वजह से जो है ना एक दफ़ा मैंने बहुत अरसा पहले ना एक दफ़ा मैंने पहना था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। मैं सोचती थी मैं अच्छा सा जैसे लहंगे होते हैं ना, जैसे मैं रील्स देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, हर कोई आजकल तो लहंगा चोली आम हुआ हुआ है, मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, और जैसे मैंने अपने ऊपर रखा ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा लहंगा चोली कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, लोग देखेंगे तो लोग फिर उनको पता चलेगा। मैं क्या करूँ, मैं खुशी से मेरी भूख खत्म हो गई, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, इतना प्यारा लहंगा चोली मिला है। यार मेरा बच्चा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी मम्मा को। हाँ? आपकी बहुत प्यारी ड्रेस लाई है मम्मा, सफा आपका भी एक सरप्राइज है मम्मा आपके लिए लाई है। मुझे लगा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये देखो इतनी प्यारी आयत की ड्रेस है, तो दोनों की सेम है, ये आयत, ये तैबा है और ये आयत के सफा का है। पूरा आपको नहीं दिखा रही, बस ये है कि इनका ना उसमें वेलवेट में मिल गया। अच्छा है आयत, जो आप बोल रहे थे ना स्पोर्ट वाले, ये लाई हूँ आपके लिए। यही चाहिए थे, ये मुझे आएंगे। छोटा कहाँ है, ऊपर रखो जी। यही बोल रहे थे? हाँ जी बिल्कुल यही बोल रहा था। चलो शुक्र है, पहली दफा कुछ तो अच्छा लगा। शर्ट भी साथ की लाई हूँ, इधर दिखाओ सामने। वाह इतना प्यारा लग रहा है मुन्ना। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल वैसी लग रही हूँ ना जैसे वो बादशाह पहनता है ऐसे एकदम, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। एकदम जैसे ऑस्ट्रेलिया से रशिया में जैसे घूम रहे हो। कहाँ? रशिया में, उधर सर्दी होती है। तो गाइस देखो मेरा ये कोट कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। मेरी इतनी बड़ी विश पूरी हुई है मेरे लहंगा चोली की, मैंने सोचा नहीं था, बहुत खूबसूरत मिला है। आप सबके लिए सरप्राइज है, तो आप शादी के व्लॉग तक का वेट करना। ये मैंने जो आज लहंगा चोली लिया ना, ये मैंने बारात के लिए लिया है, तो ये रहा मेरा खूबसूरत सा लहंगा। कभी ऐसे ऐसे वो भी कोट ऐसे पहनते हैं? हाँ, हमेशा ऐसे उसका। वो बादशाह भी ऐसे ही कोट पहनता है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। कौन सा बादशाह? नहीं बादशाह ऐसे कोट पहनता ना हमेशा, बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा बजा। चल मैं सब बोलूंगी तुझे फिर डांट करना। आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दो। ये इतना अच्छा माइक हो गया ना सच में, अभी जब हम गांव जाएंगे ना तो गांव वालों को जब भी सबको बुलाना होगा ना रात के फंक्शन के लिए, तो यहाँ से आवाज देंगे। गांव वालों जागो, जागो गांव वालों, ढोल की का फंक्शन शुरू होने वाला है। गांव वालों ढोल आने वाला है। गांव वालों क्या हो गया मुसर, रात दिन जूते देखते रहते हो? हाँ अब देखो फिर से जूते देख रहे। तो चलो बहुत मस्ती मजाक हो गई कपड़ों की खुशी में, कपड़ों की सच में खुशी तो है, मतलब अगर आपको अपनी पसंद के मिल जाएं। और अब खैर मेरे लिए बहुत आसान हो गया साथ में मैचिंग का, मैं बहुत आसानी से अब ले पाऊंगी, वरना ज्वेलरी जूते हर एक चीज इनकी वजह से ही रुका हुआ था कि पहले कपड़े मिल जाएं, कपड़े नहीं मिल रहे थे। और इस तरह के मतलब जैसे येलो ऑरेंज मस्टर्ड ऐसे कलर ना बहुत प्यारे लगते हैं,
तो देखो इस पे जैसे काम हुआ हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो एक फिर मैंने ये वाला लिया। तो ये है मेरा और उसमें वेलवेट में है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दो सूट हो गए और तीसरा हो गया बारात का। और बाकी ये हो गया मेरा लहंगा, मैं सोच रही हूँ इसको एक दफ़ा पहन के ना मैं चेक कर लूँ तो एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना करे। एंड टाइम पे फिर हमने गाँव के लिए निकलना है और वहाँ पे मुझे ये तंग ना करे, यहाँ पे पहन के पहले इसको चेक कर लेती हूँ अगर छोटा बड़ा कुछ भी है। बहुत प्यारा है पप्पो सच्ची में। हाँ जी पक्की बात है ना, पक्की लहंगा पहने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, पीछे से इतने अच्छे लग रहे हैं नेक पे, तो मैं सोच रही हूँ साइड पे भी ऐसे लहंगे के लगवा लें तो अच्छे लगेंगे। आयत मम्मा कैसी लग रही है लहंगे में? बहुत अच्छा। आयत देखो तुझे मम्मा की ड्रेस कैसी लग रही है? तुम कैसल में जाओगी? कहाँ जाऊंगी? कैसल में जाऊंगी। क्यों?